कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। कृष्ण मंदिर में हुई शनिदेव की मूर्ति की प्राण प्रतीक्षा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की रही भीड़। मेरठ थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित वेदवाड़ा नत्थू पांडे की गली श्री कृष्ण मंदिर में न्याय के देवता श्री शनि देव महाराज की नवनिर्मित मूर्ति की प्राण प्रतीक्षा कराई गई, जिसमें 3 दिवसीय पूजा के बाद तीसरे दिन शनि देव की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा हुई। श्रद्धालुओं की भीड़ शनि देव की मूर्ति की प्राण प्रतीक्षा में उमड़ पड़ी। सभी ने शनिदेव का जलाभिषेक किया। उसके बाद महाआरती का आयोजन किया गया। आयोजक वीरेंद्र दत्त शर्मा ने कहा कि उनके मन में शनिदेव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने की इच्छा हुई, जिसके बाद उन्होंने जयपुर से मूर्ति बनवाने का मन में विचार किया और फिर जयपुर से भगवान शनिदेव की मूर्ति को बनवाकर मंदिर में लाया गया, जिसकी 3 दिवसीय पूजा कराई गई। नगर भ्रमण के बाद दोपहर 12 बजे मूर्ति की प्राण प्रतीक्षा श्री कृष्ण मंदिर स्थित परिसर में कराई गई, जिसमें 1 बजे बाबा का भंडारा व प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वीरेंद्र दत्त शर्मा, गगन पाराशर, प्रिंस पाराशर, श्रेयांश पाराशर एवं समस्त पाराशर परिवार का सहयोग रहा। श्रवण कुमार झा ने इस बारे में यह जानकारी दी। आज का कार्यक्रम जो है शनिदेव, जो 9 ग्रह में से एक देवता मानते हैं, ग्रह इनका सूर्य पुत्र हैं शनिदेव, इनका आज विग्रह का मूर्ति का स्थापित हुआ है नथु पांडे गली वैद्यवाड़ा। और मेरा नाम श्रवण शास्त्री जी हैं, आचार्य के रूप में मैं ही था और यहाँ हमारे द्वारा स्थापित हुआ है। इसका जो प्रक्रिया है वो पंचाधिवास है, जो पांचों दिवास, इसमें और भी कई सारे प्रक्रिया हैं, जो पंचवेदी है, जो भी मूर्ति की पूजा की पंचपीठ है, नवग्रह गणेश आदि का हुई पंडित जी, जिसके बाद ये मूर्ति स्थापना। तीन दिवसीय पूजा हो करके 4 ब्राह्मणों द्वारा स्थापित हुए हैं वैदिक मंत्र द्वारा। बस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।